जो देखिए क्लास फोर्थ मैथ्स में हम लोग नोट है लास्ट डे पढ़ा था एक्सरसाइज 9.1, आज जो है एक्सरसाइज 9.2 का टर्न है, ठीक है, एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। एस्टिमेट करना, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स बाय राउंडिंग द नंबर्स नियरेस्ट 10, ठीक है, देन फाइंड द एक्चुअल सम एंड वेरीफाई योर एस्टिमेट, ठीक है। क्या है पहला, पहले का पहला, ठीक है, 44 और 44 है और ये 78 है, ठीक है। ये आपको, ये आप जोड़ेंगे तो ये आपका एक्चुअल सम आएगा, लेकिन जब आप एस्टिमेटेड निकालेंगे तो उसके लिए आपको करेंगे 44 राउंडेड टू नियरेस्ट 10, जब नियरेस्ट 10 करेंगे तो 44 जो है 40 बन जाएगा, ठीक है, 40 के करीब है 44 जो है। ये बताइए कि 40 के करीब है कि 50 के करीब है, ये 40 के करीब है तो 40 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 78 राउंडेड टू नियरेस्ट 10, 78 को जब हम करेंगे तो ये 80 बन जाएगा। 78 देखिए, 78 80 के करीब है कि 70 के करीब है, तो ये 80 के करीब है, ठीक है, ये 80 बन जाएगा, ठीक है, ये आइए और ये 120 हो जाएगा, ठीक, एस्टिमेटेड सम है। एक्चुअल सम देखिए 8 of 4 12 ये हो गया, यह आपका हो गया एक्चुअल सम, ये आपका हो गया एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम, एक्चुअल सम एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम्स लगानी रहेगी, जिसमें आज हम आपको चार प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक है, चौथी हम आपको बता दे रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, चौथी देखिए, क्या है 68 71, ठीक है, इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपका एक्चुअल सम आएगा, लेकिन ये पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड सम 68 राउंडेड टू नियरेस्ट 10, 68 आप करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 70, ठीक है, 78 राउंडेड टू नियरेस्ट 10, ये आपका हो जाएगा 70, दोनों को जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, इसको यहाँ जोड़ेंगे तो 8 of 1 9 139 हो जाएगा। अब आप यहाँ लिख दीजिए एक्चुअल सम, एक्चुअल सम 139, एस्टिमेटेड सम 140, ठीक है बच्चों। इस तरह से चार सवाल आपको आज के लिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, 9.2 में पहले में 1 2 3 4 आज लगाइए, 5 6 7 8 आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।